नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार दोपहर वार में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन पांडे। सत्ता का सुरूर कुछ ऐसा होता है कि इसके आगे सियासी लोगों को कुछ भी नजर नहीं आता। बेतुकी बयानबाजी करने से पहले किसी तरह की मर्यादा का ये लोग ध्यान नहीं रखते। तीन कहानियां, तीन किस्से, तीन हकीकत आपको दिखाते हैं। इलाहाबाद में बीजेपी विधायक हर्षवर्धन ने गंगा पार एसपी सुनील कुमार को जूता मारने की धमकी दी, तो मिर्जापुर में पूर्व सांसद और बीजेपी नेता राम सकल ने चौकी में जाकर अभद्रता की गाली गलौज की। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि जनता दूसरे दलों की रैलियों में ना जाए वरना पीलिया हो सकता है। ये ओम प्रकाश राजभर जी का पीलिया ज्ञान है। हम बात करेंगे कि आखिर सत्ता का नशा क्यों हो जाता है। इसी के साथ साथ हम ये भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, आपसे परिचय करा दें। रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी, जो कि बीजेपी एमएलए हैं कुशीनगर से, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। अंशु अवस्थी अब से कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। मनोज यादव जी, सपा नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और श्रीधर पाठक जी, एक्स आईपीएस जुड़े हुए हैं, लंबे समय से उत्तर प्रदेश में रहे हैं और पुलिस की बारीकियों को बहुत अच्छी तरीके से जानते परखते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दोपहर वॉर और देखते हैं कि ये सत्ता का नशा आखिर क्यों ना इसको कहा जाए। तो इससे पहले कि डिबेट की शुरुआत करें, आपको चार तस्वीरें सत्ता के नशे की दिखाते हैं। पहली तस्वीर इलाहाबाद की है, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे थे और मुख्यमंत्री से मिलने वहां के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जा रहे थे। वहां आईपीएस जो कि एसपी गंगापार सुनील कुमार ने उनको रोका और उन्होंने कहा, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और तुमको जूते मारूंगा। दूसरी तस्वीर है, मिर्जापुर से है, पूर्व सांसद और बीजेपी नेता राम सकल अपने समर्थकों के साथ चौकी में पहुंचे, अभद्रता की, उसका वीडियो वायरल हुआ। एक चोर की पैरवी करने पहुंचे थे ये, चौकी इंचार्ज से बदसलूकी की, हालांकि उनके खिलाफ चौकी इंचार्ज ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया। और तीसरी तस्वीर है कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की, जो पीलिया ज्ञान देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि इसराइली में जो लोग भी बैठे हैं वो अगर कांग्रेस और बसपा या सपा की रैलियों में जाएंगे तो उनको पीलिया हो जाएगा और वो पीलिया का इलाज सिर्फ उन्हीं के पास होगा। साथ ही साथ उन्होंने एक और विवादित बयान दिया था कि जो भी शराब बांट के वोट लेने की कोशिश करें उनको पीटों पकड़ दे। चौथी तस्वीर है सुरेंद्र सिंह की, बलिया के बैरिया से विधायक हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि तीन बच्चों की मां के साथ भला कौन रेप करता है। सुरेंद्र सिंह, ये ओम प्रकाश राजभर की तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर इलाहाबाद की, जहां बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी गाली गलौज कर रहे हैं एक आईपीएस से। भारत समाचार ने लगातार खबर चलाई, भारत समाचार ने उनको फोन लाइन पर भी लिया, लेकिन आलम यह है कि वो माफी मांगने को भी तैयार नहीं थे। उत्तर प्रदेश की जनता उनको सबक सिखाएगी, उनको बताएगी कि आखिर इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है पुलिस प्रशासन पे। पुलिस प्रशासन का मोरल डाउन होता है लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं हुआ। दूसरी तस्वीर राम सकल मिर्जापुर, जो कि बीजेपी नेता हैं, उन्होंने अपने समर्थकों के साथ चौकी में हंगामा किया, गाली गलौज की, हालांकि उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। तीसरी तस्वीर ओम प्रकाश राजभर की है, जो अपना पीलिया ज्ञान देते हुए नजर आ रहे हैं। और चौथी तस्वीर सुरेंद्र सिंह की है, जो बैरिया से बीजेपी विधायक हैं, वो लगातार विवादित बयान देते रहते हैं। तो हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं, अंशु अवस्थी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख करते हैं अंशु अवस्थी जी का। अंशु अवस्थी जी, इलाहाबाद में वो तस्वीर आपने देखी, वो तस्वीर अभी आपको दिखाते हैं एक बार फिर से, वो पूरा का पूरा बयान सुनवाते हैं। अपने PCR क्रू से रिक्वेस्ट करेंगे कि हर्षवर्धन वाजपेयी का वो पूरा बयान सुनवाएं, जिसमें वो गंगा पार SP को धमकियां दे रहे हैं। मैंने देखा उसको। आप विधायक
भारत समाचार ने जब खबर चलाई तो उसके बाद उन्होंने सफाई पेश की, लेकिन सफाई भी कैसी है वो भी सुनिए आप। हम लोगों की जो हम लोग विधायक जो होते हैं, हम लोगों का काम स्कूल टीचर की तरह होता है। कभी कभी हम लोगों को पूरा सिस्टम चलाना है, सभी विभागों को चलाना है। कभी कभी जब अधिकारी प्रोटोकॉल ब्रीच करते हैं, देखिए हर जगह ब्लैक एंड वाइट चीज़ें नहीं होती कि ये फलाना धारा लगी हुई है इसका ये सज़ा है। कभी कभी एक जजमेंट कॉल होती है और वही जजमेंट कॉल जिस अधिकारी की बात हो रही है वो करना था। ये जजमेंट कॉल थी उनकी, जजमेंट कॉल में धमकियां देते नजर आ रहे हैं और दूसरी चीज स्कूल टीचर का हवाला दे रहे हैं कि विधायक स्कूल टीचर की तरह होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य ये होता है कि वहां के एसपी ने इनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कराई। एक बात बताइए अंशु जी, अगर अगर एसपी पीछे हट जाएंगे, पुलिस ही पीछे हट जाएगी तो ऐसे लोगों का मोराल बढ़ेगा? निश्चित रूप से रमन जी, सबसे पहले मैं जो हर्षवर्धन वाजपेयी जी का इस तरीके का कृत्य है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। बीजेपी इसकी निंदा करे न करे, लेकिन मैं इसकी निंदा करता हूं। राजनीति में और जनता से अनुरोध करता हूं कि राजनीति में ऐसे लोगों को मत भेजिए जो राजनीति में राजनीति के स्तर को गिराते हैं या नेताओं की छवि को खराब करते हैं, जैसा हर्षवर्धन वाजपेयी ने इलाहाबाद में किया। लेकिन सवाल ये है कि आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो पार्टी भी डिफरेंट की बात थी, आप देखिए कौन से लोग हैं वहाँ पर, जितने भ्रष्टाचारी करप्टेड अपराधी जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में आंदोलन करती थी, उनके खिलाफ आवाज उठाती थी। सारे, नहीं सारे लोग ऐसे नहीं है, हमारे साथ इस समय रजनीकांत जी भी बैठे हुए हैं, रजनीकांत जी भी बैठे हुए हैं। रजनीकांत जी, जहां तक मुझे याद है एक भी बयान इनका अभी तक कोई विवादित नहीं आया और बहुत स्वच्छ छवि रखते हैं, और ऐसे भी ऐसे तमाम लोग हैं। लेकिन जो दो चार लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बेअंदाज हैं, उन्हीं की वजह से पार्टी किरकिरी होती है। रजनीकांत जी, सबसे पहले तो एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि एक्सेप्शन ला नहीं होता। अगर कोई अपवाद होता है तो उसको विधिक मान्यता नहीं होती, और अगर किसी हमारे भाई ने, किसी हमारे दल के नेता ने अगर कोई बयानबाजी की तो मैं आपको बता दूँ इसके पहले कि राष्ट्रीय नेतृत्व से लेके प्रदेश अध्यक्ष जी से लेके और सभी लोगों ने इस बात की हिदायत दिया कि आप लोग इस तरह के बयानबाजी को बंद करें। लेकिन मान नहीं रहे ये लोग। अब नहीं मानेंगे तो उसकी कार्रवाई संगठन करेगा, उसकी कार्रवाई की व्यवस्था संगठन के अंदर है। अब वो विषय मेरा नहीं है जी, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई होती है। लेकिन अगर कहीं ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के इनके बयान से कोई नुकसान पहुँचने वाला है या ऐसा कोई बयान जिससे समाज को नुकसान पहुँच रहा है तो निश्चित तौर पर पार्टी को। मनोज यादव जी आपसे रिएक्शन चाहेंगे। पार्टी विद द डिफरेंस का नारा देते थे और ये आरोप लगता था इसके पहले की समाजवादी पार्टी की सरकार में कि वहाँ नेता पहुँच के थानों को चलाते हैं और वहाँ पुलिस के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन ये क्या है? देखिए रमन जी, बीजेपी का जो ये लाइन है कि बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस पार्टी है तो उसमें कोई गलत नहीं, वो बिल्कुल सही है। चूँकि भारतीय राजनीति में बीजेपी की तरह की राजनीति करने वाली कम्युनल फोर्स हमारे ख्याल से शायद ही दूसरा कोई दल हो, और वो बात तो राष्ट्रवादिता की करते हैं लेकिन उनकी जो सोच है वो बहुत ही छद्म क्वालिटी की सोच है। और ये जब संवैधानिक पद पे बैठे होते हैं तो ये अपने आप को संविधान से कभी भी टच नहीं महसूस करते हैं। ये अपने आप को साम्यवाद की तरफ बिल्कुल अपनी मतलब एक तरह के पराकाष्ठा पे होते हैं। वो डिफरेंस आपने देखा, टीवी पे देखा कैसे एक विधायक इस तरह की बात एसपी से। और मैं बड़ा ताजुब हूं कि एक पूर्व जो सांसद है इनके मिर्जापुर वाले, उनके खिलाफ एक दरोगा तो कर लेता है। हाँ, एक दरोगा ने एफआईआर कर दी, वो कर लिया। एसपी साहब ने, एसपी साहब कितना बेचारे बेबस है। एसपी साहब को बहुत परस्यू किया हम लोगों ने और मीडिया भी हाथ उठा रहा, लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, मैं भी देख रहा हूं। लेकिन अभी तक किस बात का दबाव है? योगी परसों ये खबर चलाई हम लोगों ने, परसों खबर मेरे साथ ही, मैं खुद फोन लाइन पे जुड़ा था और मैंने बात की हर्षवर्धन वाजपेयी से और वो माफी तक मांगने को तैयार नहीं थे। हमारे साथ श्रीधर पाठक जी जुड़े हुए हैं, एक्स आईपीएस। श्रीधर जी, ये बहुत शेमफुल है। एक तरफ तो पुलिस अपने मोराल को बूटअप करने के लिए लगातार एनकाउंटर कर रही है, लगातार डीजीपी साहब भी बोलते हैं कि पुलिस का मनोबल बनाए रखने के लिए जो भी संभव कोशिशें हैं वो की जाएंगी, वो कर भी रहे हैं लगातार। लेकिन ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो एक बात बताइए, अगर इनके खिलाफ एसपी ने एफआईआर नहीं की, अगर मान लीजिए वो पीछे हट गए, तो पुलिस को स्वतः संज्ञान लेते हुए या लखनऊ से स्वतः संज्ञान लेते हुए या एडीजी को संज्ञान लेते हुए इनके खिलाफ मुकदमा करना चाहिए था? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये कार्रवाई होनी चाहिए थी और आईपीसी की धारा 353 के तहत इसमें एफआईआर हो सकती है। इसके अलावा अन्य धाराएं भी लग सकती हैं,
क्योंकि वहाँ मुख्यमंत्री जी रुके हुए थे और उसमें सबका जाना वो तो प्रोटोकॉल को मेंटेन कर रहे थे, वो एसपी गंगापार तो प्रोटोकॉल को मेंटेन कर रहे थे। बात प्रोटोकॉल की नहीं है, बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी का होता है और वहाँ सबको नहीं जाने दिया जा सकता जी। और जिन लोगों को जाना होता है पहले से ही उसके बारे में एक सूची तैयार रहती है। उसके अलावा अगर कोई जाकर के उनसे मिलना चाहता है तो उसके बारे में उन्हीं से वो अनुमति ली जाएगी। हमारे ख्याल से एसपी की मंशा केवल इतनी ही थी, उनकी मंशा ये नहीं थी विधायक को बेइज्जत किया जाए, लेकिन विधायक ने जो कहा वो बहुत गलत कहा और इस पर खुद एडिशनल एसपी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उनको उनको कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरी चीज़, हाँ अंशु अवस्थी जी आपके पास आएंगे, दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्वतः संज्ञान पार्टी भी लेती है। परसों से ये खबर चल रही है लेकिन पार्टी ने इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। ऐसे में जनता कैसे पुलिस पे भरोसा करेगी? वो तो देख रही है कि सरेआम एक विधायक एक आईपीएस को जो कि एसपी हैं आईपीएस को जूता मारने की धमकी देता है, उसको कुछ नहीं होता है। नहीं रमन जी देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो मैं तो पहले से कह रहा हूँ ये पहले आईपीएस नहीं है जिनका अपमान हुआ है। इससे पहले राघव रखन लामपाल जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सहारनपुर में अपमान किया, राधा मोहनदास अग्रवाल, रजनीकांत जी बहुत अच्छे जानते हैं, आप भी वहीं से आते हैं, किस तरह से एक महिला आईपीएस सरेआम रो पड़ी थी और एक एसडीएम का किस तरीके से अनुरोध है सर, सर वो विषय 12 ने विषय दूसरा कैसे है? आप पब्लिकली बेइज्जत कर रहे हो, महिला रो रही है, आप कर रहे हो दूसरा था। एक आपको याद होगा महिला पीपीएस थी, एक चालान करने को लेकर कितना बड़ा हंगामा हुआ। आपको रोकना चाहेंगे एक बड़ी खबर है, एक बड़ी ब्रेकिंग है ग्वालियर से ब्रेकिंग आ रही है। आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में आग लग गई है, दो एसी कोचेज में आग लगी है। ये लाइव तस्वीरें हैं ग्वालियर से, ग्वालियर में खड़ी है आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस ट्रेन, इसमें जबरदस्त आग के विजुअल्स हैं। अभी तक ये पता नहीं है कि उसमें कितने लोग ट्रैप हैं, कोशिश कर रहे हैं हम कि पता लगाएं कि आखिर कितने लोग ट्रैप हैं और आखिर उसमें क्या हो रहा है। जबरदस्त आग लगी है, पीआरओ को जोड़ने की कोशिश करेंगे हम लोग और जानने की कोशिश करेंगे हम लोग कि इसके बारे में क्या अपडेट है। फिलहाल ये तस्वीरें बिल्कुल सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ग्वालियर के बिरला नगर नाम का स्टेशन है जहां पर आग लगी है। आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस, उसके 4 डिब्बे भीषण आग की चपेट में हैं। पीछे से सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं, जाहिर सी बात है वहाँ अभी रेस्क्यू टीम पहुँच रही होगी। ये ग्वालियर के आसपास का एक स्टेशन है, कोच B6B7, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है कि वहाँ आग लगी है। और ये प्राइमरीली इंफॉर्मेशन आ रही है कि हाई टेंशन वायर गिर गया कोच पे, उसकी वजह से ये आग लगी है। हाई टेंशन वायर ट्रेन के ऊपर होता है, जो जिसकी वजह से पावर मिलता है इंजन को। और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से ये विशाखापट्टनम जा रही थी, ग्वालियर के पास बिरला नगर एक स्टेशन है वहाँ पे ये हादसे की खबर आ रही है। अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि जिस वक्त ये आग लगी है उस वक्त देखने में तस्वीर में तो दिख रही है कि ट्रेन रुकी हुई है, लेकिन उसमें जो लोग सवार थे उनका क्या स्टेटस है ये अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। ये वहां की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वहां स्थानीय लोग वहां पहुंच गए लेकिन अभी तक रेस्क्यू की कोई टीम नजर नहीं आ रही है, लेकिन स्थानीय लोग वहां पहुंच गए हैं। माधव तिवारी हमारे सहयोगी डिप्टी एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माधव क्या अपडेट है? इसलिए कि ये जो ट्रेन के तस्वीरें जो दिख रही हैं उसके हिसाब से वो ट्रेन रुकी हुई है लेकिन आग लगी हुई है, तो जो कुछ लोग अंदर जो उसमें हैं उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाई है? इसलिए कि अभी उनके बारे में भी पता नहीं चल रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो विजुअल्स में दिख रहा है उसमें रेस्क्यू टीम अभी नहीं नजर आ रही है। इसमें कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके अनुसार 4 कोचेज में आग लगी है और ये ग्वालियर स्टेशन पर ये ट्रेन खड़ी थी और ये दिल्ली से विजक जा रही थी,
ये बेसिकली है तो एसी एक्सप्रेस, एसी एपी एक्सप्रेस, लेकिन इसको राजधानी एक्सप्रेस भी कहते हैं। तो दिल्ली से ये विजक जा रही थी और उसी दौरान ये ग्वालियर पर जब खड़ी हुई है वहाँ पे अभी जो शुरुआती खबर आ रही है वो बताया जा रहा है कि जो एसी प्लांट होता है जो उसमें कहीं कोई ग्लिचेज आए हैं और उसकी वजह से जो है ये आग लगी है। जी ये इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि शायद हाई टेंशन वायर की वजह से आग लगी है। नहीं, अभी अभी जो खबर आ रही है सर उसके अनुसार एपी एक्सप्रेस से कोच नंबर 26 और 27 में यह आग लगी है और ये जो अमित मालवीय है पीआरओ रेलवे के उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है कि उसमें यह आग लगी। अभी उनको आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है लेकिन क्या कारण हो सकता है अभी पता लगाया जा रहा है। हो सकता है कि एसी प्लांट फट गया हो या फिर हो सकता है कि ये हाई टेंशन वायर की तरफ से फट गया हो। जी माधव आपसे जानना चाहेंगे विस्तार से बताएं दर्शकों को कि आपने बताया कि कोई कैजुअलिटी नहीं है, इसका मतलब कि उसमें जो यात्री सवार थे वो खुद निकल के वो कोच के बाहर हो गए होंगे, ऐसा ऐसा कुछ है या फिर उनको निकाल के सुरक्षित बाहर किया? उनको निकाल लिया गया था पहले ही, 26 और 27 कोचेस में जो यात्री ट्रैवल कर रहे थे उनको पहले ही बाहर निकल गया, उनको पहले पता चल गया था कि इस तरह की घटना हो गई है जो बाद में बड़ी हो गई, आग बड़ी हो गई एक्चुअली बाद में। और वहाँ पर अभी तक जो है कोई फायर टेंडर वगैरह नहीं दिखा है और उसके बारे में अभी भी हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं, लगातार वहाँ से जानकारी ले रहे हैं कि आगे क्या क्या हो रहा है। जी माधव आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ग्वालियर के नजदीक बिरला नगर स्टेशन पर दो कोचेज, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस के दो कोचेज में आग लगी है और हालांकि गनीमत यह है कि कोई कैजुअलिटी की खबर नहीं है, सबको पहले से ही सुरक्षित निकाल लिया गया था। अंशु अस्थी आप कुछ कह रहे थे? तो मैं ये कह रहा था ये उत्तर प्रदेश में पहली घटना नहीं हुई, किस तरीके से गोरखपुर में एक महिला आईपीएस को सरेआम बेइज्जत किया गया, वो रो रही थी, एक लेडी जो पीपीएस जो ट्रांसफर जिन्होंने चालान किया था किस तरह से उनका ट्रांसफर किया, तो ये सरकार अधिकारियों के साथ जिस तरीके से एक दोहरा दुर्व्यवहार कर रही है तो निश्चित रूप से आज विधायक ने उसी क्रम में किया है, कुछ नया नहीं है। किस तरीके से इनके लोग सरेआम पत्रकारों को मारने पीटने का काम किया, आप देखिए उन्नाव में किस तरह पत्रकारों पर मुकदमे लिखाए गए, तो ये मैं तो ये कहता हूं। दूसरा, जो अधिकारी यहां पे पाठक साहब बैठे हैं, अधिकारियों में भी जो अगर मुकदमा नहीं लिखा गया तो निश्चित तौर से ये उनकी सरासर गलती है और ये चापलूसी का नतीजा है कि आज अधिकारियों के साथ भी इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। अधिकारी भी अगर चाहें तो अगर वो अपनी चापलूसी ना करें तो शायद हो सकता है इस तरीके की घटना उनके साथ ना होती। मैं तो कहता हूं मुकदमा तो लिख सकते हैं वो कम से कम, लेकिन आज अब देखिए कि कोई FIR नहीं की गई, किस तरह से उन्होंने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये बहुत बड़ी बात है आनडीटी किसी को कहना, मैं इसकी निंदा करता हूं और बीजेपी से मांग करता हूं कि ऐसे इनके विधायक का कोई भी कार्यकर्ता हो उस पर एक्शन हो, योगी जी एक संदेश दे। रजनीकांत जी, जो पूरा का पूरा मामला हम लोगों ने देखा, एक चीज बताइए, एक तरफ पुलिस को खुली छूट देने की बात की जाती है कि सरकार कहती है कि पुलिस को खुली छूट दी गई है, दूसरी तरफ देखिए इसमें पुलिस की भी गलती है, उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं कराया, इसलिए कि पूरे इलाहाबाद में अगर वो गंगा पार SP हैं तो उस पूरे इलाके में जिस इलाके में वो तैनात हैं उनकी कौन सुनेगा, कौन अपराधी उनसे डरेगा, ये बताइए, जब एक सरेआम एक विधायक उनको जूता मारने की धमकी देकर निकल जाएगा। अब उस पूरे विषय की तो हमको जानकारी नहीं है कि क्या कंटेस्ट था जो आपने दिखाया और जो आपने संदर्भ क्या था, मैं बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हुए थे, मैं समझ रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए जी, अखाड़ा पर मिलना चाहते होंगे, इनको मिलने से कप्तान साहब ने रोका होगा, यह विषय रहा होगा ना इतना, तो अब उस विषय में इनके बीच में उनके बीच में क्या कहा सुनी हुई होगी, क्या बात विवाद हुआ होगा, वो तो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो कुछ भी विषय आया वो कहाँ किस वजह से आया, क्या इतना जल्दी आपको वजह चाहे जो भी हो, कोई 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 ऐसे, लेकिन अगर कोई भी इस तरह की बात होती है तो हमारे यहाँ सीधे सीधे संगठन उस पर विचार करता है, हम सेम उसी तरह के विधायक हैं, हम इनके खिलाफ कोई निर्णय नहीं ले सकते। बिल्कुल बिल्कुल, या कोई ऐसी मनोज यादव जी दो दिन संगठन बहुत बड़ा हास्यप्रद लगा रमन जी की, अब संगठन विचार करेगा, बिल्कुल ये सरकार है, विधायक सरकार का है, एक मिनट मुझे मेरी बात हो जाने दीजिए, संगठन विचार करता हाँ, है संगठन विचार, क्या संगठन सरकार से बड़ा हो गया क्या? बिल्कुल, सारे कानून की जितनी भी पालन करने की धाराएं वो आपके संगठन को प्राप्त है, मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं? अनुशासन ही, मैं फिर कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी को सिर्फ घंटा हिलाना आता है बस, मुख्यमंत्री जब संगठन क्यों नहीं डिसीजन, एक बात जान लीजिए महत्वपूर्ण, मैं अब तक इस सरकार को सामंतवादी सरकार कहता था, लेकिन मुझे शायद याद आ रहा है सामंतवाद में रमन जी भी राजा जो भी दोषी होता था उसके खिलाफ कार्रवाई करता था, लेकिन मैं अब इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य से देख रहा हूं, ये तालिबानी लोग हैं,
ये अपनी ना तो गलती मानेंगे और ना अपने ऊपर किसी पे कार्रवाई करेंगे। श्रीधर पाठक जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वापस लीजिए। क्यों वापस ले रहे संगठन, क्यों वापस ले रहे? हमारी पार्टी का एक राज्य मंत्री, हमारी सरकार में एक राज्य मंत्री होता है, पहले अपने इस मंत्री को वापस लीजिए। ये बिल्कुल गलत बयान है। और आप क्या कह रहे हैं? किसी को तालिबानी कह रहे हैं? तालिबानी आप किसी को पाकिस्तानी कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो। आप अपने विचार की वापस कार्रवाई करते हो? आप किसी को तालिबानी नहीं, तालिबान से तुलना नहीं कर सकते। आप सम्मानित विधायक हैं, उस विधायक के ऊपर इतनी गुस्सा दिखाया ना, आप आंसर निकालेंगे कानून की धज्जिया। तालिबान, तालिबान का मतलब नहीं है कोई, तालिबान का कोई मतलब नहीं, तालिबान का कोई मतलब नहीं। चलिए अंशु अस्थी, अंशु अस्थी, एक चीज तो देखिए, रजनीकांत जी ने बहुत अच्छी स्वीकार की कि इनके यहाँ सरकार का कोई मतलब नहीं, संगठन सर्वोपरि है। इसका मतलब सरकार का, इसीलिए आप देखिए जो उत्तर प्रदेश में अव्यवस्थाएं हैं, अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। रजनीकांत जी खुद विधायक हैं, और सबसे बड़ी बात आप देखिए, ये पुलिस अधिकारी ने जो किया वो गलत नहीं किया, क्योंकि योगी जी के ऊपर ना मिलने का आरोप बहुत सारे इनके सांसद और विधायक पहले से लगा चुके हैं। इनके सांसदों ने कहा कि योगी जी सही से मिलते नहीं, बेइज्जत करते। बिल्कुल झूठा आरोप है सर। हम लोग जब जाते हैं तब अपने मुख्यमंत्री, मैं तो बहुत अनुरोध के साथ आप मेरी बात तो सुन लीजिए, लोग अखिलेश यादव बात पूरी आ जाए, बात पूरी आ जाए फिर आप खंडन कर लीजिएगा। आप बात पूरी आ जाए फिर खंडन, आरोप तो सुन लीजिए। अरे आरोप आरोप भी नहीं लगाने देंगे कोई विधायक। ये आज जो हर्षवर्धन के साथ हुआ, लेकिन उन्होंने जो व्यवहार किया वो गलत किया, लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है पता चल गया कि सरकार जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। इनके यहाँ संगठन सर्वोपरि है और इनके यहाँ सारा श्रीधर पाठक जी, श्रीधर पाठक जी का रुख करेंगे। सुनिए, 5,000 रुपए घूस लेते हैं अब अधिकारी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। श्रीधर पाठक जी, एक विधायक कहते हैं रमन जी कि 3 बच्चों की मां से कोई रेप नहीं हो सकता, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। श्रीधर पाठक जी कहते हैं, श्रीधर पाठक जी मनोज यादव के ऊपर चिल्लाने लगेंगे। हिम्मत है नहीं होते, अगर हिम्मत है आपके अंदर से कहती है, आप इसी डिबेट में वाजपेयी के ऊपर इसी तरह आप गुस्सा करिए कि मैं भी एक विधायक हूँ, मैं तो सम्मान करता हूँ। आखिर वाजपेयी किस मिट्टी के बने हैं? आप अगर केंद्र से और उत्तर प्रदेश से देखें कि संवैधानिक संस्थाओं को किस तरह स्थापित किया जा रहा है। देखिए एक चीज बता, एक चीज बता रहा हूं, आईपीएस जो सिस्टम उसको, रजनीकांत जी, रजनीकांत जी जिस तरह के, सुनिए, उत्तर प्रदेश में जो सब इंस्पेक्टर है, जो दरोगा है, उनकी पोस्टिंग कप्तान नहीं कर पाएंगे, बताइए कैसे वो काम करेंगे? संविधान में एक व्यवस्था, रजनीकांत जी जहां से विधायक हैं, सुनिए सुनिए, रजनीकांत कहीं जो ब्यूरोक्रेसी है वो सरकार पे भी हावी है और वो आईपीएस को नहीं, सुनिए, दो चीजें देखने को मिलती है, दो तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। एक तो ये है, आज ही खबर आई है बस्ती के आपके बीजेपी के ही विधायक ने वहां के डीएम के खिलाफ मोर्चा खोला है और उनका ये कहना है कि गेहूं की खरीद में 10-10 रुपए लिए जा रहे हैं और साथ साथ 10 लाख रुपए खनन के एक पट्टे में डीएम की तरफ से। कमिश्नर को हमने फोन पर लिया, कमिश्नर से बात की, कमिश्नर ने कहा कि जांच के लिए दे दिया गया है। दो तस्वीरें देखने को आ रही हैं, एक तो ये तस्वीर देखने को आ रही है कि एक विधायक जाके एक आईपीएस के साथ गाली गलौज कर रहे हैं, एक सांसद गाली गलौज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक जगह विधायक बिल्कुल मजबूर हैं, उनके जिले में बेलगाम बने हुए डीएम, इनके वहां एक डीएम थे, इनके वहां एक डीएम थे, उन पे भी तमाम तरह के चार्जेस थे, आखिर उनको हटा दिया गया। इन लोगों ने आवाज उठाई, तमाम लोगों ने आवाज उठाई, रजनीकांत जी के इलाके का मामला है। तो कुल मिला जुला के स्थिति यह है कि इन जैसे नेताओं ने पूरे पार्टी की किरकिरी कराई है। श्रीधर पाठक जी हमारे साथ हैं। श्रीधर पाठक जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आईपीएस एसोसिएशन हर मामले में तो बहुत मुखर रहता है, आईएएस एसोसिएशन भी मुखर रहता है, जब भी चार्ज की बात होती है, जब भी क्राइम मीटिंग डीएम लेंगे या नहीं लेंगे, इस पे तमाम एसोसिएशन के लोग मुखर हो जाते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों पे स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेते ये लोग? हाँ, इनको लेना चाहिए और आईपीएस एसोसिएशन के चेयरमैन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ये प्रकरण मुख्यमंत्री के संज्ञान में दिया जाना चाहिए कि ऐसा करने का जो असर है वो बहुत तीव्रता के साथ ये मनोबल को गिराएगा और इसका जो परिणाम है
वो संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता को भोगना पड़ेगा। और कानून व्यवस्था आगे चल करके अगर ये इस चीजों को रोका नहीं गया तो आगे चल करके इसका असली असर कानून व्यवस्था पर पड़ेगा। ये जांच वांच तो कराते रहेंगे लेकिन इनको ये पता नहीं। चलिए आखिरी सवाल रजनीकांत जी से, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए ना, ऐसे जो भी लोग इसलिए कि ये पार्टी की इमेज को डेंट कर रहे हैं, ये स्वीकार करना पड़ेगा। मैं एक चीज आपको बार बार बता रहा हूँ जी, और हमारी सरकार, हमारे देश, हमारी माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व भी इस बात को कहता है कि अनावश्यक रूप से किसी विषय पे बातचीत करने का कोई औचित्य नहीं, मुख्य विषय यह है। और अगर कोई इस तरह का बयान देता है तो उसका अपना निजी बयान होता है। नहीं, निजी बयान में गाली गलौज थोड़ी होगी। हमारा समय समाप्त हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीकांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अंशु अवस्थी जी, मनोज यादव जी, श्रीधर पाठक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और एक तरह से ये आई ओपनिंग एक उदाहरण है। तमाम लोग देख रहे होंगे, सेक्रेटरियट में भी इस चैनल की मॉनिटरिंग हो रही होगी। मुझे लगता है कि ऐसे विधायक, ऐसे जो कि पुलिस की छवि और या पुलिस का मोराल डाउन कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और डीजीपी साहब भी देख रहे होंगे, उनके हेडक्वार्टर में भी मॉनिटरिंग हो रही होगी। मुझे लगता है कि वो इस पर ज़रूर स्वतः संज्ञान लेंगे, इसलिए कि वो बहुत प्रोएक्टिव रहते हैं और स्वतः संज्ञान लेंगे। आईपीएस एसोसिएशन भी स्वतः संज्ञान लेगा ताकि पुलिस का मोराल डाउन ना हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, नमस्कार।